पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्राधिकरण कार्यालय के मीटिंग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्राधिकरण को और अधिक बुलंदी पर पहुंचाने के लिए अपना 100% वक्त देने की बात कही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने की और संचालन संपत्ति अधिकारी RRP सिंह द्वारा किया गया। प्राधिकरण में मौजूद रही प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा कहा गया कि आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना हुए 44 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारा प्राधिकरण रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब अभी हो रहा है जब तालमेल और सभी का सहयोग मिल रहा है। दो कमरों के कार्यालय से शुरू हुआ प्राधिकरण का सफर आज मुरादाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी पहचाना जा रहा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके अगले कुछ समय में इस पर फोकस कर लेंगे और तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए एक नई सोच के साथ में प्रवर्तन की टीमों पर कार्य करेंगे। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आजकल न्यायालयों के भी आदेश आ रहे हैं, शासन स्तर से लगातार शासन आदेश आ रहे हैं, तो चीजों में सख्ती बढ़ेगी। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिस पुराने तरीके से हम लोग काम करते रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल करके नए तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा। चाहे आपकी नौकरी 2 साल बची हो, 4 साल बची हो, या आपने अभी ही नौकरी में ज्वाइन किया, जो पुराने ढंग पर प्राधिकरण चलता रहा है उस तरीके से काम आगे कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ, आपका आह्वान भी करता हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी काम आप कर रहे हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जमाना आ रहा है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है इन तकनीकी जो नए इनोवेशन है उनका कैसे लाभ लेकर के हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को सही करें। और साथ ही साथ जो है जो हमारा एक तरीके से जनता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसकी पूर्ति कैसे करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।